आईसीएमआई की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सभी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप सीएमए फाउंडेशन में हो, इंटरमीडिएट में, फाइनल में हो। पहले बात कर लेते सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट जो है मॉक टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करवाया था ऑफलाइन मोड में, तो वो जो है उन्होंने जो है ऑनलाइन पोर्टल भी रिलीज़ कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी पेपर्स के जो है ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिए, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे इंटर और फाइनल का जो मेन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होता है, तो सीएमए फाउंडेशन का भी मेन एग्जाम से पहले मॉडल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ जाऊँगा। सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो है मॉक टेस्ट 3 से 4 डेज में अपडेट इंस्टीट्यूट कर देगा। ऑल्दो इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे इशूज स्टूडेंट को फेस करने पड़े, जैसे कि कोई कोई फॉर्मेट का जो है वो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, काफ़ी सारे इशूज़ है जैसे कि वर्किंग नोट्स नहीं है उसके रिगार्डिंग में क्लैरिटी नहीं, तो होप करते इंस्टीट्यूट अपकमिंग डेज में उसके रिगार्डिंग में क्लैरिफिकेशन लेके आ जाएगी। ये जो आपका एग्जाम का पैटर्न है आपकी ट्रेडिशनल पैटर्न की तरह ही, जैसे कि आपका ऑफलाइन में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, बस इसको ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया गया जिसमें एमसीक्यूज भी, वन वर्ड भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑल्दो जो चैनल से पहले से कनेक्टेड उन्हें पता ही होगा कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए तो बेस्ट रहता। अगर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सेंटर बेस्ड मोड में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना चाहती थी तो वो 20% एमसीक्यू को 40 से 50% वेट कर देती तो काफ़ी बेस्ट रहता। इसी के साथ जिन भी जून 21 सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने स्किल ट्रेनिंग बैच अटेम्प्ट करा था, असेसमेंट टेस्ट भी उसका दे दिया था, उनका जो है माई सर्टिफिकेशन टैब में जो है सर्टिफिकेट अवेलेबल हो गया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल दो न्यू बैच भी अभी रिसेंटली में स्टार्ट हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके रिगार्डिंग में कवर भी किया था। ऑल दो वो एग्जेम्प्ट अगर आप नहीं भी करोगे तो भी जो है आप जब भी उसके नेक्स्ट बैच अवेलेबल होंगे तो आप उसके रिगार्डिंग में उन्हें मेल करके बता सकते हैं कि आप उस कोर्स को करना चाहते हैं। ऑल दो वैसे एग्जेम्प्ट चाहे आप इंटरमीडिएट की न्यू ट्रेनिंग स्कीम में फॉलो करते हो चाहे ओल्ड स्कीम में फॉलो करते हो। वही बात कर लेते हैं जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल वाले स्टूडेंट्स हो, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है जून 22 का, उसमें उस ईयर से तो जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट होने दे, तो आपका भी यही ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा ये मान के चलेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने जो है मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करे थे मॉडल एग्जामिनेशन पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक इन द पिन कमेंट, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में एमएस वर्ड हो गया या तो नोटपैड में उसे आप टाइप करके देख सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा टाइपिंग का भी पता चल जाएगा कि आप क्या क्या आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन को अगर आप जून 22 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। बेस्ट यही रहता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, या तो फिर जैसे दिसंबर 20 में हुए थे एग्जामिनेशन ऑनलाइन एमसीक्यू बेस, वैसे ही कंडक्ट करवाया जाता है इंटर और फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए। होप करता हूँ आप भी एग्री करते होंगे इस बात से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना नहीं भूलेगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा, जैसे आप एक भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाए सीएमए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।